अरे अब्बा, इस महीने तीसरी मरतबा इमरजेंसी का है ना? सर, वो असल में उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं। और जो मल्टीपल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, तुम्हारी ये फुल लीव, हाफ लीव, बस एक मेटर्निटी लीव रह गई है, वो आप पे अप्लाई नहीं होता, वरना तो आप वो भी ले चुके होते। सॉरी सर। देखिए सलमान शराफत अली, अगर आपने शराफत से ये जॉब करनी है ना, सो दिस इज योर लास्ट शॉट। सर अबू, बाकी बहुत इमरजेंसी में। मामला अब इमरजेंसी से आईसीयू में पहुंच गया है, चले जाओ, लेकिन याद रखना ये आपकी आखिरी हाफ लीव है, वरना फिर हाफ लीव नहीं मिलेगी, फिर आप मुकम्मल तौर पे छुट्टी करेंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बौखलाए हुए तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं ससुराल वाले आ रहे हो। फॉर गॉड सेक, ब्रेक पर पांव रखे यार। लो बाजी, लगा दिया ब्रेक। अरे रिक्शा चलाओ भाई, दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अपने फादर से बात कर रही थी मैं। मैं नहीं, तुम हो मेरी गॉड फादर। पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ, बदतमीजी के मुंह में मारो किराया उसे। तुम्हें पता है शौक है दलील होने का, ऊपर से ये टायर पंचर हुआ है। भाई तुम्हें क्या हो गया है? खुदा के लिए स्पीड पकड़ो, तेज चलाओ, भगाओ। ओ बाजी, आपने रक्षा करवाया है, कोई जेट तैयार है नहीं, ये तो 30 फीट से ही चलेगा। स्टेपनी अलग पंचर पड़ी थी, मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ? तमीजुद्दीन अंकल से बात करें, कहे कि मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ, सिर्फ 1 घंटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एटीएम आ गया, आ गया, एटीएम आ गया। रुको 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 भाई, रुको रुको रुको, अबे रुक भी दे। किराया। हाय 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 हाय। अभी टेंशन हो जाती है तेरा, फिर मुझे ये लो, कर लो मेरी बेटी से बात। ना तेरी बेटी तो बड़ी कमिश्नर लगी हुई है ना, ना तेरा सारा सामान रोड पर फिकवा कर दम लूंगा मैं। तू बात कर। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, मेरा बाप मर जाएगा, बस पैसे लेके पहुंच रही हूँ मैं आधे घंटे में, प्लीज खुदा का खौफ करें ना प्लीज। लो लो भाई लो, बाप बेटी का टोपी ड्रामा शुरू हो गया। इंसानियत नाम की तो चीज है ही नहीं, आपने चंद हजार के लिए ऐसा करें, कहाँ ना पहुंच रही हूँ बस। एक्सक्यूज मी, पहले आप। थैंक यू, शुक्र है किसी में तो इंसानियत जिंदा है इस मुल्क में। थैंक यू। शायद इमरजेंसी में। जी अब्बा। बेटा याद है आज कौन आ रहा है घर पे? जी अब्बा सब याद है, बचपन में बोरियां भर भर के बादाम खिलाए आपने। अब बादामों की बोरियां गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ और ये वो करो, मुझे वीडियो कॉल तुम हो कहाँ इस वक्त? आपके सर की कसम मैं गाड़ी में उस वक्त। फोन बजाओ। ये बजा दिया मैंने, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अम्मा रूठ कर गई है। जल्दी घर पहुँचो। जी जी आ रहा हूँ। जी अम्मा। इंशाल्लाह तुम देख लेना, ये रिश्ता भी चलने वाला नहीं है। हाँ हाय हाय, अच्छा हाँ फिर? अम्मा कुछ खुदा का खौफ करें, इस रिश्ते के चक्कर में ना मैं लट्टू की तरह घूम रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा जान ये जो -1 फॉर्मूला सेट करने के चक्कर में है ना, इस जहान में तो होगा नहीं, अगले जहान में भी देखना मैं गेट के ऊपर ही खड़ी हूँगी वहीं। बस कर दे अम्मा, इस दफा ना आप खुद रूट के गई है वो नाजमाबाद वाले प्लॉट के चक्कर में। मुझे उनकी नीयत पर शक है, क्यों नहीं कर रहे मेरे नाम वो प्लॉट? अच्छा अम्मा मैं आपसे रात में बात करता हूँ, अभी बहुत रश में फंसा हुआ मैं। ओके बाय। क्या मजाक है? मैंने समझा था तू नाम का फकीर मंगा दोगा, अरे तू तो सचमुच का फकीर निकला। सोचा तो मैंने भी यही था, तमीजुद्दीन मुगल का घर है, लेकिन अल्लाह माफ करे जरा सी तमीज छू के नहीं दी तुम्हें। ये सब तुम बाप बेटे की खामोश गुंडागर्दी की वजह से हुआ है, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया,
बदतमीजी करने के लिए। गुंडागर्दी कौन सी? ये जो ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी आकर रहता है उसे कोई ना फिल्म चला को उसे भगा देते हो। हाँ तो हमारी वजह से थोड़ी भागते हो, इसमें जो बिजली और पानी का एक मीटर लगाया है ना उसकी वजह से भागते हैं। तू और तेरी बेटी थोड़ी भागे। हाँ तो हम तो इस घर में रहते हैं ना। बे अगर शाम 5 बजे तक 3 महीने का किराया मुझे नहीं मिला तो ऑपरेशन क्लीनअप स्टार्ट। इससे पहले मेरी हनी ला के तेरे मुंह पर किराए के पैसे नहीं मार देगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अरे उठ, गाड़ी में डालो, गाड़ी में। हेलो हेलो बेटा सनी, कहाँ हो? अपने ससुराल में हूँ। ससुराल के बच्चे? ये तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ के बैठे हुए? अब्बा पहुँच रहा हूँ मैं बस। यार रोड रोलर पे बैठकर आ रहे हो, स्लो स्लो रिंग रिंग कर। क्या ताल्लुक है आपका पेशेंट से? मुफ्त की सरदर्दी का है। ये किस लड़की की आवाज थी? मेरे बॉस की फूफी है। आप फोन तो बंद करें। इसके घर का एड्रेस लिखे। आप ऐसा करें, ये मेरा ना विजिटिंग कार्ड रख लें, इस पे सारी डिटेल्स है। इस पे तो ऑफिस का एड्रेस है, घर का एड्रेस होना भी लाजमी है। वो एक तो इमरजेंसी है। ये बस मैं 1 घंटे के अंदर वापस आ रहा हूँ। आप ऐसे कैसे उन्हें छोड़ के जा सकते हैं? अपनी गाड़ी में ही जाऊंगा ना, जैसे आया हूँ। बस मैं आया, अभी वापस आया। उनके टेस्ट हो रहे हैं और पेमेंट कौन करेगा? देखिए सब कुछ मैं ही करूंगा। अब मेरे ऑफिस का एड्रेस आपके पास है, मेरे घर का भी एड्रेस आपके पास है। घर में एक छोटी सी इमरजेंसी होगी, मुझे उसके ऊपर जाना पड़ेगा। बस आप ये सब करें, मैं आ रहा हूँ। किसे अजीब शोहर है? कहाँ रह गई ये मेरी औलाद कमबख्त। आप क्या लड़की के बाप की तरह मेरा ऊपर से लेके नीचे तक पोस्टमार्टम कर रहे हैं? अरे तुम जो ये लड़कियों की तरह हैंडबैग लटका के फिर रहे हो, तुम तो प्रोग्राम लग रहे हो। लोग कहेंगे शराफत अली का बेटा और उसका करेक्टर लूज हो गया। एक मुसीबत में फंस गया था, आपको बाद में बताता हूँ। ओहो बेटा, मुसीबत में तो मैं फंस गया। एक तो पिछले कई साल से हर रोज तुम्हारी माँ नाराज होकर मैके चली जाती है और कोई और लड़की भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है तुमसे। आपने मेरी शादी को इतना सर पे क्यों सवार किया हुआ? अरे क्यों नहीं सवार करूंगा सर के ऊपर। तुम्हारी माँ का और मेरा 3 माह का चैलेंज हुआ था। मैं जा रही हूँ मैके और मैं देखती हूँ 3 माह में अपने बेटे की शादी करवा के दिखाओ। तो शराफत अली ने सीधा तान के उसको कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर अपने बेटे का निकाह पड़वा कर दम लूंगा। एक तो आपकी ये जो शादी के चैलेंज है और अम्मी के प्लॉट के चक्करों में ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। आप जाके प्लीज मेहमानों को देखें। ठीक है तू जल्दी आ। जा रही है बेल। जाने दे, जाने दे। पापा कौन है? इसके बाप से कौन बात करेगा? आंधी कर देता हूं मैं। लड़िया मतलब आ रही है। जाने दे, जाने दे, जाने दे। आजकल शरीफ होना, मेहनती होना, ईमानदार होना एक सजा है। अब सनी मेरा बेटा, उसका जो बॉस है उसका कॉन्फिडेंस देखिए। सनी बॉस की फूफी को हार्ट अटैक हुआ तो बॉस कहता सिर्फ सनी हॉस्पिटल लेके जाएगा। ये हुई ना बात। ट्रस्ट होगा ना उनको उस पर? जी क्यों नहीं, बिल्कुल अंधा ट्रस्ट है। और मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है, मजाल है जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा सनी है। जी जी, वो असल में ऑफिस में एक मीटिंग में फंस गया था इसलिए थोड़ा सा बैठो बैठो। बेटा इन्हें ये भी बताओ कि तुम बॉस की फुफ्फी को हॉस्पिटल लेके गए थे, हार्ट अटैक हुआ था ना उनको? फुफ्फो की बेटी को लेकर गया था मैं। हाँ बेटी को, बेटी आपको तो पता है ना बेग साहब, फुफ्फियों के मामला किस कदर नाजुक होते हैं। वैसे आपकी मिसेस का इंतकाल कैसे हुआ? वो जब उसने मेरे प्लॉट को अपने नाम इंतकाल कराने की बात की। क्या मतलब? मतलब है कि मेरा एक प्लॉट था जिसपे करोड़ों का फ्रॉड हो गया और मेरी बीवी वो दिल पे नहीं ले सकी और बस निकल ली। बहुत सेंसिटिव होंगी आपकी बहन। क्या 60,000? 550? जी बस में लेके आया या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की है मेरी?
हड्डियाँ वगैरह तो सलामत है ना? यही देखने के लिए तो टेस्ट किए है कि कोई इंटरनल चोट तो नहीं है। आप बिल पे करें और जा सकती हैं। किसी स्मगलर की औलाद लगती हूँ मैं या फिर बुर्ज खलीफा मेरे बाबा का है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बात बताना मुझे, इस खाल उतारने वाले हॉस्पिटल में मुझे लाया कौन है? ये आपके हस्बैंड लाए थे। मेरे हस्बैंड? लगता है चोट मेरे नहीं आपके सर पर लगी है। बीबी, आपके हस्बैंड ही आपको यहाँ लाए थे और वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देख के गए हैं। आप या तो फिर उन्हें बुलाएं या फिर आप खुद बिल पे करें। बिल से याद आया कि मेरा पर्स कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, उसमें तो 3 महीने का किराया था मेरे घर का। पर्स कहाँ है मेरा? वो तो आपके शौहर ने अपने कंधे पे लटका रखा था। अरे वो कोई फ्रॉडिया था, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे पैसे लेके भाग गया वो। मेरे पास उनका एड्रेस है, आए मैं आपको रिसेप्शन पे दिखाती हूँ। एक घंटा 32 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं तुम्हारे मरने में, तुम्हें जहन्नुम में तेज करने में। ओ भाई, हम फकीरों पे ना बड़ा करम होता है ऊपर वाले का, हम अमीरों पे भी ऊपर वाले का करम होता है। पता कर अपनी बेटी का। हाँ कर रहा हूँ। कार्टूनों से फुर्सत मिले तो अपनी बेटी का पता करे। ये देखिए, ये उनका एड्रेस है और ये उनका कार्ड है। अब वो शोहर था आपका या फिर फ्रॉड है, इस बात से हमें मतलब नहीं, आप बस बिल पे कर दें। हेलो जी डॉक्टर साहब। ओके सर, मैं आ रही हूँ। निकलो भाई निकलो। माशाल्लाह से बहुत शरीफ बच्चा है आप। अरे शराफत अली का बेटा जो है तो शरीफ कैसे नहीं होगा। फिर भाई साहब आप लोग कब तशरीफ ला रहे हैं हमारी तरफ? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अभी परसों हमने ये घर शिफ्ट करना है क्योंकि इसके जो मालिक मकान है ना वो इस घर में रहने आ रहे हैं। जी जी, वैसे भी अभी घर जो है ना वो हमें थोड़ा बड़े साइज का चाहिए। हाँ बिल्कुल। सलमान जी, चीप इंसान, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मुझे अकेले छोड़ के आ गए हॉस्पिटल में? चलो शाबाश शाबाश, पर्स निकालो मेरा फौरन, बाहर रिक्शे वाला इंतजार कर रहा है, उसे किराया देना मैंने। सनी बेटा ये कौन है? कौन हूँ मैं? अंकल जी मैं मिसेस सलमान हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? तो ये देख लें हॉस्पिटल का फॉर्म, अपने बेटे के सिग्नेचर से पहचानते ही होंगे ना। ओ, मेरे खुदा इतना बड़ा फ्रॉड। नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रही है लड़की। अभी थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और मैं खुद छोड़ के आया उसको हॉस्पिटल के अंदर। आप लोग मेरी बात की यकीन करें। शराफत साहब आप तो कह रहे थे कि बॉस की फूफी को लेकर के आई है। अरे अंकल पैदाइशी झूठा है ये, एक तो मुझे इतने महंगे अस्पताल में छोड़कर आ गया और ऊपर से झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है। बेटा जरा सुकून से अंदर चल के बात करते हैं, आ जा। सुकून तो मेरी जिंदगी से तभी निकल गया था जब मैं इससे टकराई थी। बताओ ना कि कुछ घंटे पहले ही टकराई थी मेरे से। अच्छा बेटा कुछ घंटों में तुमने मिसेज भी लिखवा दिया। अरे ये बेवकूफ किसी और को बनाना, समझे? बस बेक्सा अब यहाँ रुकने का कोई भी जवाब नहीं है, मुझे नहीं करना रिश्ता यहाँ पर। अरे भाभी बात तो सुने, बच्ची को कोई गलत फहमी हुई है? आपकी खुश फहमी दूर हुई है, बड़ी तारीफे कर रहे थे, शराफत अली की औलाद है। शराफत साहब जरा नजरे रखा करे अपनी औलाद पे, आज तो ये लड़की इसकी बीवी बनकर आई है, कल को 2 बच्चे ना निकल आए कहीं से। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा बच्चा कोई अंडों पे थोड़ी बैठा हुआ है जो बच्चे निकल आएंगे। अरे ये शराफत अली का बच्चा है, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है। आप तशरीफ रखिए आराम से। अरे नहीं रखनी तशरीफ, इतना बड़ा फ्रॉड करके तशरीफ। चलो बेगम, अरे हो गया रिश्ता यहाँ पे। अरे साहब कोई फ्रॉड, चले रहने दे, जल्दी आओ बेगम। देखा झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। चलो बहुत देर होगी, मेरा पर्स तो। तेरी बेटी स्टेट बैंक से कर्जा लेने गई है। तमीजुद्दीन तमीज के साथ पूरे 25 मिनट बाकी हैं अभी, झूला तेज कर मेरा। ये ले ये ले ये ले। हाँ सुन मियां, बात सुन, 24 मिनट 30 सेकंड के बाद 5 बंदे लेके मुगल मंजिल पहुंच, एक जूठे बंदे की डंडा डोली करनी है। ये लो पकड़ो अपना बैग और शक्ल गुम करो यहाँ से। वाह वाह वाह, बेवकूफ समझ कर रखा, पहले चीजें चेक करूंगी अपनी। चोर नहीं हूँ मैं। झूठे तो हो, तभी मिस्टर सलमान लिखवा कर आए हो। हाँ तुम तो इतनी खूबसूरत हो ना कि तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं इश्क में गिरफ्तार हो गया था। मैंने नर्स की मिन्नतें की हैं कि खुदा के लिए वो जो खावन वाला खाने के अंदर मेरा नाम लिख दे। जाहिर सी बात है, वैसे तो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिलनी नहीं थी, तो तुमने सोचा क्यों ना इसी तरह अपनी हसरतें पूरी कर लूं।
ओ मिस क्लोपेट्रा, लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। बचपन में जो पोलियो के कतरे थे ना, वो ज्यादा पीने की वजह से दिमाग पे चढ़ गए। एक मिनट बेटा, देखो मिस क्लोपेट्रा, नहीं मेरा मतलब है तुम जो कोई भी हो, तुमने बहुत ज्यादती की है भाई। हमारे मेहमान आए हुए थे, बहुत खास मेहमान, रिश्ते की बात चल रही थी और वो भगा दिया तुमने। अरे अंकल, जरा अपने बेटे से तो पूछिए। पहले अपनी गाड़ी से इसने मुझे टक्कर मारी, उसके बाद लावारिसों की तरह अस्पताल में छोड़कर आ गया। की तरह अगर इस तरह फेंकना होता मैं तो अपने घर का असली एड्रेस और विजिटिंग कार्ड देकर आता। ये बात है, समझाएं इस पागल को। समझ जा बेटा। ठीक है जा रही हूँ, मगर अपने बेटे को समझा दे कि आइंदा ये आंखें खोल कर गाड़ी चलाए। आंखें खोल के गाड़ी चलाना? मां मैंने क्या किया है? तो चली गई, वो गेस्ट भी चले गए यार, सारे रंग में फंग डाल दिया इस लड़की ने। ठीक 5 मिनट बाद मेरे 5-5 मुस्तंडे आ रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हनी? जो मर्जी बोल, काउंटडाउन स्टार्ट शुरू हो गया। पप 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 बाय पप 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 हो। आ गई मेरी बेटी, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। हनी हनी, ये किराए के पैसे निकाल के ना इसके मुंह पे मारो, वो भी कस के। मारो बेटा, मारो मारो बेटा मारो। अरे अब्बा, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। अंकल ले आई हूँ सारा किराया, आप चाहे तो बैठकर गिन सकते हैं तसल्ली से। वो भी गिनूंगा बेटा, लेकिन एक बात तय है, अगर फकीर मोहम्मद की बेटी फकीराना अंदाज में बात करे ना तो समझ लो कोई ना कोई उसे फेवर चाहिए। ये क्या भाई, क्या लिखा है मेरे माथे में? पूरे 30,000 रुपए कम है, मैं ही मिला हूं। 30,000 कैसे कम हो सकते हैं? गिन के देख लो। एक सेकंड, मनुष्य कहेगा रगड़ा लगा गया मुझे। बेटा नो मोर एक्टिंग, नो मोर, बल्कि नो मोर एक्टिंग। पैसे में लेके जाऊंगा भाई, बात सुन लो, कसम खाई है आज सारे हिसाब बाग करके जाऊंगा मैं। अरे कसम से अंकल, मैं तो पूरे पैसे लेकर निकली थी, वो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो उस लड़के ने। बस कर दो, बस कर दो, 2 महीने पहले भी तूने यही बेटा कहानी सुनाई थी। कहानी में कोई ट्विस्ट डाल लो। अरे अंकल, आपके सर की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। बाप मर गया तेरा जो मेरी कसम खा रही है। पैसे तो मैं लेके जाऊंगा, वरना यही बैठूंगा मैं। ठीक है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। मेरी मरहूमा माँ का कड़ा, कल जब पैसे लाऊंगी ना तो वापस ले लूंगी। असली है या नकली, इसको तो पता नहीं है, लेकिन तेरा लहजा असली लग रहा है। कल फिर दोबारा पैसे लेने आऊंगा। बात सुन बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, रखो। नोरा, तुम दोनों बाप बेटी एक बात मेरी याद रखना, परसों नए किराएदार आ रहे हैं। कसम अल्लाह पाक की, अगर तुम दोनों ने कोई सस्ती हरकत की ना तो तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। अंदर तशरीफ लाइएगा पापा की प्रिंसेस। बात सुनो, क्या जरूरत थी हसरत पूरी करने की कि मिसेज लिखवा दिया वहां फॉर्म पे तुमने उस लड़की के लिए? अब्बा आपके सर की कसम, वो जाहिल नर्स ने ना खुद ही लिखा ये सब कुछ। उस नर्स को पता होगा कि इन दिलों में तेल ही नहीं है। अरे गाड़ी मारने के बजाय किसी लड़की को लाइन मारते हैं। अब्बा मुझे ना इस किस्म की हरकतों का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। मैंने करनी है तो अरेंज मैरिज ही करनी है। वैसे भी आपकी शक्ल देख के ना मुझे ये लव मैरिज से इबरत हासिल हो गई है। कितनी अच्छी मेरी और सलमा की लव मैरिज थी, लेकिन ये फकीर मोहम्मद के बच्चे ने ना आग लगा दी हमारी जिंदगियों में। मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी ना शैनी, वो तुम्हारी माँ के गले में हड्डी की तरह फंसी हुई। खुदा की कसम मुझे तो पता ही नहीं है, इतने साल गुजर गए भाई, कि वो कहाँ है, शादी हुई नहीं हुई, मरी खपी क्या हुई। वैसे अब्बू मेरी अच्छी खासी जीती जागती तंदुरुस्त माँ को आपने मरहूमा डिक्लेयर करके ना अच्छा नहीं किया वो रिश्ते वालों के सामने। तुम्हारी जीती जागती जिंदा माँ को तुम्हारी शादी की फिक्र है, जो मेरे ऊपर डाल के चली गई है वो? तो जली हुई रोटी खा खा के आजिज आ गया हूँ मैं। नहीं तो आप कर देना वो प्लॉट उनके नाम। हाँ प्लॉट उसके नाम कर दो। और तुम्हारी माँ ने इस मालिक मकान की बीवी पता नहीं क्या कान भरे कि उसने कहा फौरन खाली करो 2 दिन में,
पिछले 2 सालों में ना बिल्ली की तरह 7 घर हम बदल चुके हैं। इसीलिए बेटा मैंने नए मालिक मकान से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 6 महीने का एडवांस दिया है। अब मजीद दिल ना जलाए मेरा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो उनके ड्यूज मैंने क्लियर करने, सुबह से फोन कर करके उन्होंने मेरा जीना हराम किया है। अच्छा सुन, अपनी माँ की हाजिरी जरूर लगा लेना और सुनो उसको उस नए घर का एड्रेस ना बताना वरना वहां पहुंच के उसमें भी आग लगा देगी, वो तो रोटी खुद ही डालनी पड़ेगी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। जिंदगी में हर काम देर से करने की ना एक आदत सी हो गई है तुमको, सबसे मोहताज होके रह गया हूं। हार्ट अटैक होता ना जॉब जाती। बाबा कोशिश तो कर रही हूँ ना मैनेज करने की। क्या खाक मैनेज कर रही? 30,000 रुपए उसके फ्रॉडिया के हाथ में पकड़ा गया। ये 30,000 रुपए तो उस नकली सलमान खान का बाप भी वापस करे। तो फिर उसके बाप से जाके ले लें आप, क्योंकि उसका फोन तो पावर ऑफ है। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसका पूरा पावर प्लांट उड़ा कर आऊंगी। वायरिंग नहीं उड़ा देनी, वहां की रिकवरी करनी है पैसे की। जानती हूँ ना, वरना महीने का खर्च किस तरह निकलेगा। बाबा क्या वाकई किरायेदार आ रहे हो फिर वाले पोर्शन में? कह तो रहा था तमीज़ुद्दीन। अच्छा खैर छोड़े यार, प्लीज अपनी दवाइयाँ ले लिया करें और आज रात को टॉम एंड जेरी मत देखना सारी रात। कसम से मेडिसिन खा के ना एक अजीब डिस्पेंसरी सी बन गया हूँ। तुम जाके सो जाओ, देर हो रही है, सुबह जॉब पे भी जाना है। जा हाँ जा रही हूँ, बस एक काम कर दें प्लीज, सुबह नीली वाली फाइल निकाल कर रखिएगा, वो ओरिजिनल वाउचर्स जमा कराने हैं स्टूडेंट्स की फीस की। अच्छा वो भी मैं ही याद कराऊँ? यार कुछ तो कर ले यार। लड़की थी या फुलझड़ी जो ऐन सर पर आकर पटी, मेहमानों के सामने भी शर्मिंदा करवा दिया। सकून तो मेरी जिंदगी से तभी निकल गया था जब मैं इससे टकराई थी। बहुत अच्छा हुआ जो उसके बैग से 30,000 ले लिए, जब खुद टकराई है तो नुकसान भी आधा खुद ही भरे। नुकसान तो सारा तुम्हें ही भरना पड़ेगा मिस्टर, जिन हाथों से निकाले थे ना मेरे बैग से पैसे, उन्हीं हाथों को ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी हानिया फकीर मोहम्मद नहीं। मतलब कल के फसाद के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला है जो आज फिर से बुरा वक्त बन के मेरे ऊपर टपक पड़ी हो? बुरा वक्त तुमने देखा ही कहा है। शाबाश पैसे निकालो मेरे। कौन से पैसे हैं? वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, इतनी आसानी से मैं अपने हक हलाल के पैसे तुम्हें हजम नहीं करने दूंगी। तुम्हारी जो ये शक्ल है ना उसको देख के वैसे ही लोगों का हाजमा खराब हो जाते हैं, और जहाँ तक बात है तुम्हारी हक हलाल की कमाई की है ना, तो अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक आधी आधी पेमेंट होगी। अच्छा खूबसूरत लड़कियों को गाड़ियां मारो तुम पाकिस्तान में, और जहाँ पैसों की बात आई तो वहाँ अमेरिकन सिस्टम घुसा रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सारे सिस्टम उड़ा दूं, पैसे निकालो मेरे। इससे पहले कि मेरा मीटर घूम जाए ना, मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, पैसे कैसी नहीं दोगे मुझे, लड़की समझकर प्रेशर में डाल रहे हो। क्या हो रहा है ये? What's happening? इस फ्रॉडी के दिमाग से मट्टी झाड़ी हूँ। क्या किया इसने? क्या किया इन्होंने? कल दिन दहाड़े अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, उसके बाद हॉस्पिटल के फॉर्म में मुझे अपनी मिसेज लिखवाकर मेरा बैग लेके भाग गया। कल तो इसके फादर खुद किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिट थे। कैसी इमरजेंसी? कल तो उनके घर में फुल फ्लैज पार्टी चल रही थी, रिश्ते का सीन ऑन था इसके। बताओ बताओ इनको। सर ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही, मुझे तो लगता है कि नशा वगैरह करती है। सर मेरे अब्बू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में इस वक्त भी बैठे हुए सर, और दूसरी बात ये सर ये मेरे ना गाड़ी के सामने खुद जानबूझकर आ गई थी, अगर ये खुद आई है तो इसकी गलती हुई ना, इसको भी आधी पेमेंट तो देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आप इनके पर्स में से पैसे निकाल लें? एग्जैक्टली, लेवल चेक करें अपने एम्प्लॉय की बेगैरती का। आप ऐसी किसी को भी जॉब पे रख लेते हैं? कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं है सर आपकी कंपनी का? बहुत अफसोस की बात है सलमान, आई फील ashamed। आपने कल अपनी वालिद की बीमारी का बहाना बना के मुझसे छुट्टी ली थी, एंड दैट वाज द लास्ट वार्निंग टू यू। जी सर वो लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप हम पे एक एहसान कीजिए कि आप कल से दफ्तर ना आइएगा। और आप सुनिए मैडम जी, अगर आपने इनसे अपनी अमाउंट वसूल करनी है तो आप इनके ड्यूज में से ले सकती हैं, आपको अकाउंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी सर, सर सर बात तो सुने सर मेरी, सर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, 3rd फ्लोर पे। थैंक यू। क्या
इतनी सी बात पे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? अब्बा वो वैसे भी बहाना ढूंढ रहे थे मुझे नौकरी से निकालने का, मिल गया उन्हें। पहले छोकरी हाथ से निकल गई, अब नौकरी निकल गई। कौन देगा बेरोजगार को अपनी बेटी? कैसे होगी तुम्हारी शादी? अब्बा इतने भी बुरे हालात नहीं है हमारे, दो दो दुकानें, उनका रेंट आता है आपकी जेब के अंदर, और दूसरा दो प्लॉट्स भी तो हैं आपके। अरे भाई वो जो रेंट आते हैं दुकानों के, वो मैंने पैसे संभाल के रखे हैं नया घर बनाने के लिए, और तुम आ गए हो बेरोजगारी का मेडल लगाकर। क्या है, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है ना, खुद ही उसी में गिरता है। ये गड़ा बीच में कहां से आ गया? ये तो पता चलेगा उस टार्जन की पोती को। ओह गॉड, फाइल कहाँ है? ये फाइल कहाँ चली गई? हानिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने परसों तुम्हें वाउचर वाली फाइल दी थी कि जाके बैंक में डिपॉजिट कर दो पैसे, और तुम आज मुझे बता रही हो कि फाइल गुम हो चुकी है? I'm sorry मैडम, पता नहीं फाइल कहाँ चली गई। आप एक काम कीजिए, आप भी घर चली जाएं। मुझे एक ऐसी इर्रेस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदार एडमिन की कोई जरूरत नहीं है। मैडम मैं कह रही हूँ ना, फाइल मिल जाएगी, मैं ढूंढ लूंगी। तो एक काम करते हैं, आप कल तक कोशिश कीजिए, अगर कल तक फाइल मिल जाती है आपको तो आप वापस आ जाइएगा, और अगर कल तक आपको फाइल नहीं मिलती ना तो अकेडमी में वापस आने की जहमत ना कीजिएगा, ठीक है ना? जी जाइए। आखिर वो फाइल गई कहाँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सारी नहुसत तुम्हारे अब्बा जान की फैलाई हुई है। मैंने तो जिस दिन से शादी की एक पल मुझे सुकून का नहीं मिला। अम्मी एक तो आपकी दुखी आत्मा जो है ना, वो हर वक्त तड़प के उठ जाती है, बजाय इसके कि आप मेरा गम बताएं, आपको अपनी फिक्र हो गई है। वो अब्बू की चुगलियां कर रही हैं, आप उनके सारे गुनाह बख्शवा दें। आप अपने अब्बा जान की फजूल बातों पर ध्यान देना बंद करो, और मेरी मानो तो मामू के घर आ जाओ, बर्तनों की दुकान पे बिठाएंगे ना, हाय क्रॉकरी के दरमियान बैठा हुआ मेरा बच्चा कितना प्यारा लगेगा, सच में बता रही हूँ। तो मैंने एमबीए इसलिए किया है कि मैं बर्तन बेचूंगा? अब अम्मी बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। सलमान बेटा सामान पहुंचवा। अशरफ ओ भाई ये सामान तो रखवा गाड़ी में। अरे सनी बेटा, नौकरी और छोकरी जाने का गम नहीं करते, ये वापस आ जाएंगी, तू दिल पे मत ले यार। अब्बा ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से ही है ना, आप लड़की वालों को सुबह के वक्त बुलवाते, ना ही मैं ऑफिस टाइमिंग्स में ऑफिस से प्रेशर कुकर बन के निकलता, ना ही मेरा एक्सीडेंट होता, और ना ही वो मनहूस किस्म की लड़की मुझसे टकराती। ऐसे यार वो लड़की थी जीदा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आई लाइक हर। चलो सामान रखवा। अशरफ कहाँ रह गया यार? फाइल ना मिली तो मिसेस अलवी कच्चा चबा जाएंगी। नौकरी चली जाएगी तो घर चलेगा कैसे हमारा? नौकरी का तो पता नहीं बाबा, लेकिन आपकी शुगर केटू की चोटी पे पहुंच जाएगी। खुदा के लिए ख्याल रखें अपना। अनीसुद्दीन को ना अभी 30,000 रुपए देना ना, कल तो क्या पता। लो टपक पड़ी नहीं से। तो बेफिक्र रहो, इस फकीर की दुआ से इस घर में 4 महीने ज्यादा कुछ नहीं। भाई ओए भाई, शराफत से सामान ऊपर लेके जाओ, पकड़ो इसे, जाओ। अरे शराफत अली का सामान शराफत से ही जाता है। फकीर मोहम्मद, तू फिर बदनुमा आईना बन के मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अरे नाम शराफत रखने से इंसान शरीफ हो नहीं जाता है। तुम फौरन मेरी फाइल निकालो शराफत से। ये खड़े शराफत साहब, इनसे ले लो। तुम मुझे बताओ तुम इस घर में क्या कर रही हो? माशाल्लाह मेरी घर में खड़े होके मुझसे ही पूछो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। क्या बात है तुम्हारी मासूमियत की? इस घर का ना ऊपर वाला जो पोस्ट है ना, उसके 6 महीने का रेंट दिया हमने, वो भी एडवांस। बाबा कम से कम एग्रीमेंट करने से पहले ये तो पूछ रहे थे कि नीचे वाले पोर्शन में किस किस्म के खानदानी और नस्ली लोग रहते हैं। अरे खानदानी लोग दूसरे के घरों में आग नहीं लगाते, यही है वो तीली जिसने तुम्हारी माँ के घर में आग लगाई। ओ शर्फू जबान संभाल के बात कर, तेरी अपनी बीवी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा था उस चैनी के साथ शास्त्री टूटते हुए। अरे तो मुखबरी तो तुमने की थी ना मेरी बीवी से। इस सांप को, जहरीले सांप को मैंने 20 साल दूध पिलाया और इसने ये सिला दिया मुझे। ओ
मेरे खुदाया, ये आपके वही दोस्त हैं जिन्होंने अम्मा के कानों में जहर घोला था। हाँ हाँ, दुकान है हमारी बंस रोड पे जहरीले फालूदे की, कभी वक्त निकाल के खा लेना। अब बकवास बंद करो, मेरी फाइल निकालो नीली वाली। कौन सी नीली पीली काली फाइल? कोई फाइल नहीं है मेरे पास। तुम दोनों बाप बेटे का शायद बती रहे, ये लोगों के घरों में फसाद डलवाना। फसाद तो बेटा अब डलेगा। क्या चल रहा है भाई इधर, क्या चल रहा है भाई? तमीजुद्दीन, ये किसको लेके आ गए किराए पे यार? इसकी तो अपनी बीवी इस पे भरोसा नहीं करती। वो आराम आराम से हल्के हो जाओ, हसीन और शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे। पहले सोचो, ये बाप बेटा निधर ही रहेंगे। तू निकल अपनी बेटी के साथ मेरे घर से, निकल, और बगिये का किराया भी दे। किराया ना वो आज नहीं मिल पाएगा, दरअसल मैं बैंक नहीं जा पाई ना। हाँ जी, ये दरअसल आज किसी की नौकरी पर लात मारने में बिजी थी। शट अप, यू शट अप। सनी, ऊपर जाओ। हनी, तुम भी जाओ अंदर। इतना कड़वा हनी पहली दफा देखा है। सनी, जिसके आगे पीछे अंधेरे के बादल छाए। चलो बेटा, मजा आ गया। हनी है, सनी क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कोई इसी फसादी बाप बेटे का घर मिला था रहने के लिए। अरे बेटा डोंट वरी, मैंने अमेरिका वालों को ईमेल कर दी है। वो कहते हैं कि जैसे ही व्हाइट हाउस खाली होगा वो हमें दे देंगे किराए पे। आप ही भुगतिएगा ये फकीर मोहम्मद और उसकी आल औलाद को। फकीर मोहम्मद की तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। फिलहाल तो आपकी बैंड बजाई जा रही है, वो भी पूरी उम्र अम्मा के हाथों। जब से पैदा हुए ना आप लोगों की बस जंग अजीम ही हम लोग तो देख रहे हैं। अम्मा के लव मैरिज हुई थी आप लोगों की। ये सारी जंगों की चिंगारी जो है ना वो शैनी है, शैनी। और इस फकीर मोहम्मद ने दबी हुई राख में से इस चिंगारी को जो हवा दी है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं फकीर मोहम्मद को। ये क्या मिलना था दबी राख से चिंगारी निकाल कर? सालों से बात उसने समझा रहा हूँ शरफू को, उसे समझ नहीं आती। वो तुम्हारी माँ और सलमा भाभी अच्छी खासी सहेलियां थी, समझाया उन्हें यार। याराना तो आपका भी काफी था शरफू अंकल से। तो वो छोड़ दो, इतनी मोटी अकल वाला आदमी है वो, मंदी का पहाड़। हाँ खाम, शहनी के पीछे दोस्ती भी खराब की, अपनी शादी भी खराब की। लेकिन आखिर हुआ क्या था? सलमा भाभी दुपट्टा पीको कराने गई थी। पीको? हाँ जी, वहाँ पे वो शास्त्री खाते हुए कहीं देख लिया भाई साहब को एक क्लास में के साथ। तो इसमें आपकी क्या गलती है? वो समझा मैं जानबूझकर तुम्हारी माँ को और सलमा भाभी को रिफ्रेशमेंट शॉप पे खुद लेके आया था। कई दफा सफाई देने की कोशिश की है, समझते ही नहीं। दफा करें, हमें क्या जरूरत झाड़ू बनकर सफाइयां देने की? दफा, मुझे तो बस टेंशन हो रही है अपनी फाइल की। बाबा अगर वो नहीं मिली ना तो लगी लगाए नौकरी भी चली जाएगी हाथ से। वैसे पक्की बात बता रहा हूँ, उस शर्फू के बेटे की शक्ल से लग रहा था कि फाइल उसी के पास है। बाबा, आपके पास ऊपर के पोर्शन की चाबी है? हाँ। तो क्या? अच्छा। थे ना यहाँ पर ये फकीर समझ कर रखा है क्या? फकीर मोहम्मद की औलाद है बेटा, ये कुछ भी कर सकती है। देखे अंकल, अपने मसाले में मुझे ना घसीटे। बिल्कुल ठीक कह रही मेरी हनी। अच्छा बात सुनो, फकीरों की टोली ये मेरे सनी के लाउंज में तुम्हारी हनी क्या करती है रात को? मैं वो हाँ टेरेस की लाइट बंद करने आई थी। क्यों, बिल आ रहा है तुम्हें उसका? हाँ जी बिल तो आ रहा है। बताए बाबा, इस घर का बिजली का बिल, गैस का बिल सब आधा आधा देना पड़ता है, समझे? क्या कहा? ये गार की तरह मुंह बंद करो तुम दोनों बाप बेटा, और फाइल दो यार मेरी बेटी की। अच्छा तो यू कहे ना कि सारे छापे उस फाइल के लिए मारे जा रहे हैं। शर्म कर,
घुट्टी दी थी मैंने तुझे। इतना सता पैदाइश के बाद निमोनिया की वजह से मरने वाला था और मैं इस नमूने को उठा के अस्पताल की इमरजेंसी में भाग रहा था। फकीर मोहम्मद एहसान फरामोश, याद कर जब ये तेरी चिड़ी पैदा हुई थी तू गया हुआ था अपनी फुफो के पास चनियोट, और अस्पताल से लेके घर तक सारी ख्वारी मैंने काटी थी इसकी। ओह गॉड, एक तो मैं आप दोनों के पुराने खातों से बहुत हूं, और तुम ऐसा करो ये फाइल इसको फ्रेम करवा के इसका हार बना लो। नहीं चाहिए मुझे फाइल। ओ जाओ जाओ, और ऐसा करो जाते हुए ये जो सीढ़ियों पे लाइट लगी हुई ना इसको बंद करते हुए जाना। दफा जा, चोर कहीं के। मैडम वाउचर्स ही थे, वो तो बैंक से दोबारा निकल सकते हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ से जा सकती हैं। तो फिर मैं इनकार समझो? ये सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप जा सकती हैं। मैडम सीधी बात तो आपको समझ नहीं आ रही, कुछ वाउचर्स ही थे, कौन से एटम बम का फॉर्म लाता जो आप इतनी टची हो रही हैं? मिस हानिया, यू क्रॉसिंग अ लाइन। अरे जाए जाए, समझती क्या आपने, आपको कभी आईने में अपनी शक्ल देखी? इतना बड़ा मुंह, उसके ऊपर इतना सारा मेकअप थोप के आती है रोज ऑफिस में। जस्ट शट अप। यू शट अप। अब जब मेरी बॉस नहीं रही तो चिक चिक क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपकी? तुम जाती हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? हां हां जा रही हूं जा रही हूं। मैम मैंने ज्वाइनिंग दे दी है, ये यहाँ पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे प्लीज। अच्छा मैडम, ये तो वही लड़का है जिसके पास मेरी फाइल है वाउचर्स वाली। बताओ कौन है आप? मैम हुशी। हुशी? मैं वो हूँ जिसको तुमने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और फिर हॉस्पिटल में ठीक करा गए, याद आया? आई थिंक कोई चोट लग गई आपके दिमाग के ऊपर, मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ आपको। मिस हानिया, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ हाँ जा रही हूँ, अल्लाह करे कि आपकी अकेडमी बंद हो जाए, यहाँ पुलिस का छापा पड़ जाए, आपके स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़े जाए। इनको क्या हुआ है? जस्ट इग्नोर हर, मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि इस पागल लड़की से निजात मिली मुझे। वो मैम मैं तो बस सीवी देने के लिए आया था लेकिन आपने मुझे जॉब ही ऑफर कर दी। अरे हीरे की पहचान ना झोरी को ही होती है। थैंक यू। बैठो ना। जी जी। तुम जैसा जलील और बेगैरत इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा करो मेरे साथ एक सेल्फी खिंचवा लो और फिर वक्तन फवक्तन वो देखती रहे। तुम क्या समझते हो उस साइको प्रिंसिपल के साथ गुजारा करना बड़ा आसान है? तुम आ गई हो ना, तुम्हारे साथ रह रहे के इस चीज की प्रैक्टिस कर लूंगा मैं। जलील और ख्वार होकर निकालेंगे तुम्हें, देख लेना, चार दिन की नौकरी है ये तुम्हारी। हाँ हाँ। बेगैरत। सैलरी भी नहीं थी, जॉब से भी निकाल दिया। दो दफा बता चुकी हूँ बाबा, अब कितनी दफा मुंह पे मलेंगे बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत ही कमजोर निकली है मिसेस अलवी। टेंशन तो मुझे इस बात की है कि अभी पूरा महीना आगे पड़ा है, सेविंग्स भी नहीं है हमारे पास, किस तरह गुजरेगा महीना? अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। याद रखना जो टैलेंटेड आदमी होता है ना लोग उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। मिसेस अलवी तो मेरी सीवी देखते ही फिदा हो गई थी मेरे पर। यार मुझे लगता है मिसेस अलवी की कोई बेटी बेटी है और वो तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहती है इसलिए फॉरेन जॉब पे रख लिया है। एक तो आपके सर के ऊपर भी ना हर वक्त मेरी शादी का भूत सवार रहता है। मैं तो मेरी करा देना फिर शादी, मैं ये जले हुए टोस्ट और जली हुई रोटी खा खा के आजिज आ गया हूँ। आपकी इन्हीं रंगीन हरकतों की वजह से ना अम्मी हमेशा आपके ऊपर शक करती रहती है। सिर्फ एक हड्डी है जिसका नाम है शैनी, वो तुम्हारी माँ के हलक में अटकी हुई है। लेकिन एक बात बताओ, शैनी के बाद भी मैंने दो चार जगह लाइनें फिट की थी लेकिन पकड़ा नहीं गया। सर कॉल। अम्मी की कॉल। देखा, शैनी का नाम लिया नहीं और तुम्हारी माँ की कॉल आ गई। हेलो। क्या हुआ? नहीं बात तो नहीं बाबा, तीन जगह गई थी, कहीं वेकेंसी है ही नहीं, नहीं मिली जॉब। चल चलो कोई बात नहीं, पापा की तो प्रिंसेस हो ना,
कोई ऐसी बात नहीं है, चाय पीते हैं, आ जाओ। हाँ, दूध पत्ती बनाई थी मैंने। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मम्मी मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे? 25 दिन हो गए तुम्हें नई जॉब पर जाते हुए उस घर में रहते हुए। वो तो आज फकीर मोहम्मद भाई का मुझे फोन आ गया तो पता चला। एक तो ये फकीर मोहम्मद से मैं बहुत तंग हूं, उनकी टांगे इतनी लंबी है ना, आपके हर मामले में घुसा लेते हैं। गलत बात मत करो, उनकी दो टांगे और वो भी छोटी छोटी, कभी उन्होंने मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाई। वो तो उनकी मरहूमा बीवी से मेरे 10 साल पुराने ताल्लुकात हैं। हाय हाय, मैंने तो 10 साल से हनी को देखा ही नहीं, कैसी है वो? शी इज टू क्लेवर। देखा, तुम्हारे बाप ने जहर भर दिया उनके खिलाफ तुम्हारे दिमाग में। अम्मा, इन लोगों की वजह से ना आपका घर नहीं बस पा रहा है। मेरा घर नहीं बस रहा तुम्हारे अब्बा जान की वजह से। पहले तो दिल हथेली पे लिए फिरते थे, जहाँ दिल आया वहीं पकड़ा दिया किसी को। जब जॉब छोड़ी, गोल्डन हैंडशेक लिया, वो गोल्डन हैंडशेक लेकर हर औरत के पास पहुंच जाते थे वो। और उनके होते हुए मुझे अब किसी देवरानी, किसी नंद, किसी जेठानी, किसी सास की कमी महसूस नहीं होती, वो खुद ही काफी है। आई डोंट मिस देम एनीमोर। मैं तो ख्याल करता हूँ ना आपका, बस मेरे बारे में सोचें। इतना ही ख्याल होता ना तुम्हें मेरा, तो यूं बाप के घुटने से लग के ना बैठ रहते। अम्मा साहब, बात है, मैं मामू के घर में नहीं रह सकता। अगर आप कहती ना तो हम दोनों माँ बेटा अपना कोई रेंट पे ले लेते हैं घर। रहने दो, हर तीसरे दिन तुम्हारे अब्बा जान टपक पड़ेंगे तुम्हारे बहाने मेरे घर में। नहीं तो आपका कौन सा पर्दा है उनसे, बस कर देना नाराजगी। अम्मी चले ना घर, कल मेरी बर्थडे भी है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं वहाँ जाऊँ। जब तक तुम्हारे अब्बा जान मेरे नाम प्लॉट नहीं करेंगे मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगी। हाँ, अलबत्ता मेरी जूतियाँ ले जाना। एक तो आप दोनों की जो बेजा जिद है ना, उसकी वजह से जलील ख्वार सिर्फ मैं ही हो रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मुल्क से बाहर निकलने की, जैसे कोई मौका मिला ना मैं निकल जाऊंगा, और आप दोनों पीछे बैठ के लड़ते रहना अपनी ये जंगी अजीम। मुझे ही गलत कहना, अपने अब्बा जान को कभी मत कहना। आप दोनों ही ठीक हैं, बस मैं ही किसी गलत जगह पे पैदा हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। आई ठहर जाओ ना, खाना खाओ। नहीं, खाना जो खाना था मैंने खा लिया, बस खा लो। 25,000 का बिजली का बिल, एक तो नौकरी मिल नहीं रही, ऊपर से बिल पे बिलाए चले जा रहे। ये दोनों बाप बेटे लगता है ऐसे इन्होंने सूरज को लीड देकर रखी है अपने मीटर से। हाँ, आ गए ना बाप साहब, निकलो जरा बाहर आइए। क्या क्या है ये, देखा तुमने? आपका थोपड़ा 440 दफा देख चुका हूँ मैं। फ्रॉड ये कहीं के रहो के तुम, फ्रॉड ये। 25,000 बिजली का बिल आया है और ये सब तुम बाप बेटे की वजह से हुआ है। बाप बेटे क्या रोबोट्स हैं जो बिजली के ऊपर चलते हैं, या हमारे सांस लेने से आप लोगों की यूनिट गिर रहे हैं? ओ शट अप, यू शट अप। मुझे ये बताओ, तुम्हारे अब्बू जो हैं वो पल पल की खबरें मेरी अम्मी को क्यों दे रहे हैं? उनसे कहो किसी न्यूज चैनल के ऊपर काम कर ले, तो तुम्हारा बेरोजगारी का जो मसला ना वो भी हल हो जाएगा। ओए, 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 ओए। ये बेरोजगारी वाला ताना ना देना मुझे। एक तो मेरी सीट लेकर मेरा हक खा रहे हो, ऊपर से मुझे ताने दे रहे हो। बात सुने, मेरी सीट जो है ना वो खाली हो चुकी, तुम उसके ऊपर अप्लाई कर लो, पता चल जाए कितने पानी के अंदर हो। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, चलो शाबाश, बिल के आधे पैसे निकालो। कोई नहीं पैसे वैसे दे रहा। कोई नहीं दे रहा तो ये पकड़ो पूरा बिल भरना। तमीज औरत है। हाँ भाई, सनी बेटा नहीं आई? तुम तो बड़े जोम से गए थे कि मैं माँ से कहूंगा कि मेरी सालगिरह है, मेरी बर्थडे है, और वो फौरन भागती भी चली आएगी। है कहाँ है शाही सवारी? वो नहीं आएंगी, लेकिन वो मिसेज अलवी को पता चल गया मेरी बर्थडे का, वो आ रही है कल। ओ सनी बेटा, अब तो कंफर्म हो गया कि ये मिसेज अलवी जो है ना तुमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रही हैं, इसीलिए ताल्लुकात बढ़ा रही हैं। कितने बच्चे हैं उनके? मेरा ख्याल में एक बेटी है। तो ये कंफर्म है कि वो तुमसे रिश्ता करना चाह रही है अपनी बेटी का। जल्दी से उसके दामाद बनो, उसके कारोबार पे कब्जा करो और नोट छापने की मशीन बन जाओ। चलो कल के उनके आने की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए आइए। अरे यार, भेज तो दिया पेन, और कितनी दफा भेजूं? सनी, तुम्हारी बर्थडे का केक तैयार हो चुका है, मैंने 10 मिनट के लिए अवन में रखा है, बस निकाल लूंगा। खुशबू आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, वो मिसेस अलवी भी आने वाली हैं। अच्छा, बस तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रिश्ते की बात मैं ही छेड़ूंगा पहले। भाई, ये रिश्ते की बात छेड़ने के चक्कर में ना कहीं आप उनको ना छेड़ देना। शराफत अली नाम है, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैं, चेंज करता हूँ। जी जी यार, आ जाओ ना, कितनी दफा भेजू पेन। बड़ी तैयारियां चल रही लॉन में। एन जी, वो शर्फू के लंगूर बेटे की सालगिरह है ना, तो फिर तो सलमान आंटी भी आएंगी। नहीं नहीं, वो तो खैर किस्मत से आएंगे बच्चे,
ना ये शराफत साहब उनको प्लॉट देंगे ना उनकी नाराजगी खत्म होगी। अरे हाँ याद आया, आपने सलमान आंटी को बता दिया इस बाप बेटी की एंट्री के बारे में? हाँ बता दिया था, उनका फोन आया था ना हाल अहवाल पूछने के लिए, मैं बता दी। हेलो कैसी हैं आप? इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाबा घटियापन तो देखे इस लंगूर का, मुझे टीस करने के लिए मेरी दो टके की बॉस को बुलवा लिया अपनी बॉर्डर पे। हाय हाय इसको क्यों बुला लिया? आप बस जल्दी से फोन मिलाए सलमान आंटी को। से क्या बात करोगे, तुमने कभी बात नहीं की उनसे? जानती तो होंगी ना मुझे, मुझे मिसेज अल्वी के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मैं बता रही हूँ। अच्छा जरा मुझे भी तो दिखाओ ये मिसेज अल्वी है कौन। पार्टी होगी क्यों? क्योंकि आज केक नहीं किसी का दिल कटेगा। बस ये साबित हुआ शहनाज अल्वी साहिबा कि ये दुनिया गोल है और अगर इंसान जिंदा रहता है तो उसकी मुलाकात दोबारा कहीं ना कहीं जरूर होती है। हाय हाय मैं कुछ समझा नहीं अबू। अरे बेटा यही तो शैनी है, मेरी शैनी। तुम्हारी माँ हर वक्त इसी जन्नती औरत के नाम की तस्बीह पढ़ती रहती है। ओ आई सी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सलमान तुम्हारा बेटा है। क्यों मुझसे ज्यादा हैंडसम है क्या? शराफत अली अब तो शराफत की जिंदगी गुजार लो, फ्लर्ट करने की आदत नहीं है तुम्हारी। अरे इंसान का दिल जवान होना चाहिए, उम्र से कुछ नहीं होता। वैसे शेरी तुम अब भी बहुत हसीन और खूबसूरत हो। हाय हाय वो वैसे तुम्हारी बेगम का है? है? बेगम असल में उसकी टांग टूट गई थी, वो अपने भाई के घर में बेड रेस्ट में है। बाहर चलकर लाइव शो देख। चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं तो सोच रही कि दोबारा बेइज्जती होने वाली है मेरी। बेइज्जती कराने की तो तुम लोगों को आदत पड़ी हुई है, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी आज। हाँ तुम कहाँ से आ गई सलमा? मैं वहाँ से आई हूँ जहाँ तुमने मुझे टांगे तोड़ा के आराम करने भेजा था। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? निकलो मेरे घर से, चलो चलो। अरे सलमान दिस इज टू मच, अब रोको अपनी माँ को। अरे ये क्या रोकेगा मुझे, एक अंडा वो भी गंदा, बाप का सहूलत कार बना हुआ था ना, तुझे भी ठीक करती हुई। ठहर जाओ, चलो यहाँ से निकलो, तुम आ गई कहीं हमारे घर में। चलो बाप, अम्मी आप क्या कर रही हैं? बाप रोके ना इन्हें। अरे बेटा ये सलमा सुनामी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ आंटी ऐसी ही औरतें दूसरों के घर और करियर तबाह करती। निकाल निकाल इनको यहाँ से, भाग धक्के दे कर निकाल। अरे इसको धक्के देने की क्या जरूरत है, मेरी एक सीटी की मारे। चलो 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 निकलो, चलो यहाँ से आइंदा खुशी ना तो देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। हाय शैनी। हाय हानिया, शुक्र है तुमने मुझे बर वक्त फोन करके बता दिया, वरना ये लोग तो पता नहीं कितनी मौज कर लेते। अरे छोड़े भाभी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या गिला करना। मुझे बड़ा हौसला आपका कि इसके साथ सारी जिंदगी गुजार दी आपने। चुप है। चलो तुम दोनों चलो ऊपर मेरे साथ, मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ। चलो निकलो आ जाओ, दोनों आगे लगो। चलो दोनों बाप बेटा एक जैसे बुद्धू, कहीं के अकल तो है नहीं कोई। ओ मियां इधर उधर क्या देख रहे हो, बताओ ना अपनी माँ को कि वो मिसेज अल्वी शैनी निकली और तुमने बुलाया था उनको। मुझे क्या पता था वो आपकी एक्स लवर निकलेंगी। लगाऊंगी ना दो खींच कर, सारी एक्स वाई जेड भूल जाएगा। मियां आप वैसे ही शक कर रही हैं, वो बिल्कुल खुश है अपने हस्बैंड के साथ और बेटी भी अब तो उनकी। ऐसी चंडाल औरतें दूसरों को अपसेट करके सेट हो जाती हैं। तुम्हारे सर की कसम उस दिन के बाद आज मिला हूं। याद रखना शराफत अली, अगली मुलाकात मैदान हशर में ही होगी। तुम्हारे चेहलम के बाद इद्दत पूरी किए बगैर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। एग्जैक्टली और जाना बनता भी नहीं है, मैदान छोड़कर तो बुजदिल जाते हैं। ये लीजिए चाय पीजिए, काफी एनर्जी जाया हो गई होगी आपकी। नहीं गर्मी बहुत है, वहां रख दो। यहाँ मेरे पास कितनी नाइस बेटी हो तुम, है अपनी माँ की तरह। जब तक वो जिंदा रही मुझे समझाती रही कि सलमा इस घर से कदम बाहर ना निकालना, खुद तो वो कैंसर से बीमार होकर मर गई, लेकिन मुझे तो
शनाज की एकेडमी में काम कर रहे थे ना, अब जॉब का क्या होगा? क्यों, उसका क्या ताल्लुक उसकी नौकरी से? पिक एंड ड्रॉप मैं क्या करूंगा? लानत भेजती हूँ मैं शनाज की एकेडमी पर, जाके दिखाओ हमारी हड्डी पसली करके ना सुरमा बना दूंगी। सूरन जाना बनता तो नहीं है, इखलाकन तुम्हारा भी यहाँ पर आना नहीं बनता। खबरदार जिस बिन माँ की बच्ची को कुछ कहा होगा तो। बेटा तुम कभी मत समझना कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं, कोई मसला हो ना सुई में धागा ना डल रहा हो, बस समझ लेना मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस घबराना मत। अच्छा सनी बेटा मुबारक हो, तुम्हारी माँ ने हनी को गोद ले लिया। हाँ बस ले लिया मैंने गोद। थैंक यू। माँ को हाईजैक कर लिया फकीर मोहम्मद की बेटी ने। आड़ में गई फकीर मोहम्मद की बेटी, मुझे तो अपनी जॉब की टेंशन है। वो मिसेज अलवी ने भी मुझे बुरा भला कह के ना नंबर ही ब्लॉक कर दिया मेरा। अरे वो बिचारी तो मेरी वजह से खामखा बेइज्जत हुई। आराम से बात करें नहीं तो आपका बेइज्जत सेशन शुरू हो जाएगा मियां। सादिया के बाद हनी की बड़ी टेंशन होती है भाभी। अरे भाई साहब आप क्यों फिक्र करते हैं, आप देखिएगा हमारी हनी के लिए मैं एक से एक अच्छा बर्र ढूंढूंगी। मुझे दुश्मन की बेटी को बिहाना है। टेम्परेचर हो रहा है मैम, चेक करके आता हूँ। चाय में उंगली डाल के चेक कर लेना टेम्परेचर, इतनी गर्मी मैं तो नहीं पीती। आंटी प्लीज दुआ कीजिए कि बस किसी तरह मेरी जॉब लग जाए। तो देखना मैं इतना अच्छा वजीफा करूंगी, इतना अच्छा वजीफा करूंगी कि तुम्हें जॉब ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये जो सलमा बेगम है ये सगी माँ है ना मेरी, कहीं मन की सौतेली औलाद तो नहीं? बस अपनी अपनी किस्मत है प्यारे, चल कॉफी बना, हम अपना जिगर जलाते हैं, आजा। बस बस टाइम हो गया, बुखार तो शरीफ अंकल को होना चाहिए सलमा आंटी के आने के बाद। सलमा भाभी से बात करो जरा प्लीज, समझाओ यार। मैं कैसे समझाऊं बाबा, वो तो खुद समझी समझाई है। हाथ वाला रखे ना, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे इतनी उम्र में लड़ने झगड़ने की आदतें, ये हालात जवान हो गई उनकी, बात करना। छोड़े यार, उनको लगेगा हम उनका घर खराब कर रहे हैं, बेहतर है कि खामोश रहे। तो पापा की प्रिंसेस जरूरी है उनकी बात साबित करते, मेडिसिन ला के देना। मेडिसिन मेडिसिन शुगर जाती हूँ, आप हिलिएगा नहीं ठीक है। चाबी डालने से ना ये गाड़ी नहीं चलती, इसमें कभी कभी पेट्रोल भी डालना पड़ता है। बाहर जा रहे हो? हाँ यार, वो आप भूख ले जरा दवाइयाँ ले आओगे? तुम्हारी जो हरकतें हैं ना उस पे दवाइयाँ लाना बनता तो नहीं है, दो पैसे ले आता हूँ। थैंक यू। इतना पेट्रोल जलती पे डालती हूँ ना, थोड़ा सा गाड़ी में भी डाल लिया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। चलो चलो वापसी में जो पैसे बचे वापस दे देना। ना बकवास से तुम मत करो, गेट खोलो। ओ हेलो गेट खोलो। हेलो जब हॉर्न बजाऊ ना तो गेट खोल भी देना। चलो चलो नौकर समझावा है पागल। हानिया क्या है? ये सूप भेजे अम्मी ने तुम्हारे बाबा के लिए। थैंक यू। वैसे मैं
वाकई नहीं जानती थी कि मिसेज अलवी ही शैनी है। अब पता चल गया है ना, तो प्लीज मेरी अम्मा को भी कुछ समझा दो यार, मेरे अब्बा के दिल में कुछ भी नहीं है उस औरत के लिए। आंटी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अब आप ज्यादती कर रहे हैं। कैसी ज्यादती? कब से नोटिस कर रही हूँ, मुसलसल नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए फिर रही अपने माथे पर। ये है इस लायक, तुम्हें नहीं पता इस बात का, चुप रहो। जैसे भी है, पर आपकी जगह तो किसी को नहीं दी ना, दूसरी शादी भी नहीं की। वो तो मैं जवान बेटे को उनके साथ छोड़ा है, उसकी झेप में नहीं की, वरना तो कभी की कर चुके होते। आपस की बात है आंटी, मर्द बहुत बेदीप होते, किसी की परवाह नहीं करता। आप बस अपना दिल बड़ा करें और दरगुजर करें ना। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, बिल्कुल नहीं होती। ऐसा नहीं है आंटी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चले सब छोड़ें, सनी के बारे में ही सोच लें। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, इस सारे मामले में मेरे बेटे सनी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। माँ की कमी तो दुनिया की कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती। और फिर इस प्लॉट स्लॉट में रखा क्या है आंटी, आपकी असल प्रॉपर्टी तो आपका बेटा है, सनी है। शुक्र है इस हिटलर की भतीजी का भी जमीर जागा और इसने भी इंसानों जैसी हरकतें तो शुरू कर दी। वो अब्बू बुला रहे हैं आपको, उन्होंने आपके लिए कॉफी बनाई। अपने अब्बा जान से जाके कह दो मैं इतनी गर्मी में कॉफी नहीं पीती, कंजवीन बनाएंगे तो शायद आ जाऊंगी। घर जा रहा हूँ मैं, चलना है तो चलो। नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। यार नखरे मत करो, तुम्हारे अबू की तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत, क्या हुआ? गाड़ी में बैठो, बताता हूँ मैं। सनी सब खैरियत है? हाँ वो अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि शुगर लेवल हाई हो गया अंकल का। मुझे लगता है कि मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे वो। हाँ वो काफी लापरवाही करते हैं मेडिसिन से। मुझे तो लग रहा है लापरवाही सारी तुम्हारी तरफ से होती है। सनी जरा आगे रोक देना प्लीज। यहाँ पर? यहाँ यहाँ यहाँ। ये तो वो ज्वेलरी की शॉप है ना? हाँ यही गाँव है। मैं खुद आ जाऊँ। सही। भाई साहब ये सूप मैंने आपके लिए बहुत शौक से खुद बनाया है, आपने पूरा खत्म करना है। हाँ गरम गरम है, बहुत अच्छा लगेगा। और सुड़सुड़ नहीं करनी आपने, खामोशी से पीजिएगा। अभी दिल नहीं कर रहा पीने का। अरे अंकल तबीयत की खराबी में दिल की नहीं डॉक्टर की मर्जी चलती है, पिए। बाबा तबीयत कैसी है आपकी? आए बेचारे सूप कितनी मुश्किल से पिए थे, कमजोर बहुत हो गए। आ गए मेरे दुश्मनों की तिमारदारी करके। क्या हो गया तुम्हें है? अरे अकल तो कुछ अपने बाप को, ऐसे बेचारे बीमार हैं और तुमने अड़े बैठे उनके साथ खामखा। अरे उसने भी तो सारी जिंदगी मुझसे दुश्मनी निभाई है। दुश्मनी ना आप दोनों ने निभाई है आपस में। ओहो सलमा बेगम तुमने रंग लिया अपने बेटे को अपने ही रंग में। ठीक है जाओ तिमारदारियां करो मेरे दुश्मनों की, और मेरे दुश्मनों के बच्चों की शादियां कराओ, अपने बच्चे की फिक्र मत करना। वैसे एक बात है, हानिया अच्छी लड़की है, शादी के बारे में सोचा तो जा सकता है। खबरदार जो उसके बारे में सोचा भी, मैं अपने सनी की शादी उसकी हनी से कभी नहीं होने दूंगा, समझ गई तुम? जैसे वो तो बहुत मरा जा रहा है, वो भी घास नहीं डालेगा आपको कभी।
तमाशा बना रखा तुम लोगों ने 6 महीने से। उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। अंकल आज तो सिर्फ 1 तारीख है, थोड़े से दिन और दे दे, आपको आपका किराया मिल जाएगा। जरा सब्र कर लेना। नो बीबी, कोई सब्र बाबा नहीं होता, बात सुन लो मेरी। अगर पट्टों तक मेरा किराया नहीं मिला तो तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकूंगा। खवातीन से बात करने की तमीज नहीं आपको? ये एंट्री हो गई हीरो की है। अब कल के लौंडे तमीज़ुद्दीन को तमीज से बात करना सिखाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है बुड्ढे तोतों को कुछ भी सिखाने का। आप अपने नाम का लिहाज करें वरना वरना क्या? वरना दोबारा इस तरह बात की ना अपने हनिया के साथ तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। लावारिस नहीं है ये? खा के बारिस। अगर इतना ही बड़ा तू हीरो पति का जाड़े तो दे दे इसका किराया। मुझे क्या जरूरत पड़ी इसे बदतमीजी करने की? अब देखना निकल जाएगी हवाई की। 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको आपका किराया, और फिर अपनी विलन जैसी शक्ल गुम करें आप। विलन ओ हेलो हेलो नवाब साहब जी, इस फेवर की वजह घर बचाया तुमने मेरा। मेरी मलका जज्बात माँ को समझा कर, उन्होंने तो जीना हराम किया हुआ था हम बाप बेटे का। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल तक अरेंज कर दूंगी मैं। बस फिर कुछ और बेचोगी तुम? तुम्हें किसने बताया? वो जो कड़ा होता था ना तुम्हारी कलाई के ऊपर, हर वक्त घुमाती फिरती थी, वो नहीं है तुम्हारे हाथों। अच्छा तो तुम्हें क्या इशू है? तो समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या इशू। अरे रुकैया, अगर लड़का अच्छा है तो करवा दो ना रिश्ता। हानिया भी बड़ी अच्छी लड़की है, और बेचारी फकीर मोहम्मद भाई तो अपनी बीमारी की वजह से परेशान है। अरे हाँ कर देंगे वो, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं जो बता रही हूँ तुम्हें भाई, हर किसी को अच्छा रिश्ता चाहिए होता है, और लड़की तो इतनी अच्छी है, खुशी खुशी न्यूजीलैंड भेज देंगे वो अपनी बेटी को। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, स्काइप पे कर लेंगे हम निकाह। हाँ मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसी बच्चियाँ नहीं मिलती हैं आजकल के ज़माने में, लड़कियों का कोई हाल है भला। दोबारा इस तरह बात की ना अपने हनिया के साथ तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। लावारिस नहीं है ये? थैंक्स। बात के लिए ये बताने के लिए कि मैं लावारिस नहीं हूं। अच्छा वैसे जिस जॉब से मैं टर्मिनेट किया गया था वहां अप्लाई कर सकती हो तुम? पोस्ट अभी भी खाली है। तुम्हारा बॉस जॉब पर रख लेगा ना मुझे? हाँ यार रख लेगा वो खड़ूस, जब से तुमसे मिला है ना कह रहा है कि लड़की में टैलेंट जरूर है। मरवा मत देना। इतनी आसानी से मरने वाली तो तुम हो नहीं, अगर ऐसा होता ना तो सबका मर मिटी होती मेरे पर। क्या कहा? कुछ नहीं यार, जॉब इंटरव्यू के लिए तो जाओ ना। इस तरह का? जी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शुक्र है वो जो कर्ज रखते थे हम जान पर वो हिसाब आ चुका। चलो थैंक यू।
थैंक यू। हाँ भाई साहबजादे, ये क्या चल रहा है तुम्हारे और हमारे दुश्मन की बेटी में? कुछ नहीं अब्बा, वो रास्ते में खड़ी हुई थी तो मैंने सोचा लिफ्ट दे दूं। रास्ते में खड़ी हुई सवारियों पर ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना, उस लड़की की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। मुबारक हो, मुबारक हो। फकीर मोहम्मद भाई ने अपनी बेटी हानिया का निकाह तय कर दिया। शुक्र। मेरी सहेली रुकैया के भांजे से, और परसों उनका निकाह है स्काइप के ऊपर न्यूजीलैंड में। ये लो खाओ, बिस्मिल्लाह। इन्हीं को खिलाएं जिनके दिल के अंदर गुलाब फूट रहे हैं न्यूज़ सुन के। इसको क्या हुआ? दाव ही दाव। अरे ये डवेरिया की सिम्टम है। चलो फकीर मोहम्मद को मुबारकबाद तो दे आऊं। जान छूटी भाई उसकी लड़की से, वाह वाह। चलो मैं तो खा लूं पहले। बाबा मैंने नहीं न्यूजीलैंड में लैंड करना आपको छोड़कर। एक ना एक दिन तो बेटियों ने घर से जाना ही होता है ना। कैसे चली जाऊं मैं आपको इस कंडीशन में छोड़कर, और अब तो जॉब भी मिल गई है मुझे। अच्छा मेरी टेंशन मत लो, मैं तो चला जाऊंगा तुम्हारे चचा के पास इस्लामाबाद। रहने दे, फोन करके हाल पूछने की तो तौफीक है नहीं उन्हें। आप बस सलमा आंटी को मना कर दो। यार इतने खलूस से दिल से उन्होंने रिश्ता तुम्हारे लिए तलाश किया है, गारंटी भी दे रही है। आज के जमाने में गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अंकल को ही देख ले, जरा सी बात की वजह से 20 साल की दोस्ती तोड़ दी आपसे। उनको छोड़ दो, वो ना इतनी मोटी अकल वाला आदमी, सुनता गए बात। वो तुम्हारी माँ सलमा भाभी को समझाती थी और अब मैं समझाता हूँ उनको। क्या फायदा जब वो गलत समझते हैं आपको। तो मुझे कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है उस शर्फू से? यार है मेरा, कभी ना कभी तो मान ही जाएगा। पापा की प्रिंसेस प्लीज। तो बड़े दावे किया करती थी अपने बाप से मोहब्बत के, तो उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ मैं ये सब। कैसे रहेंगे वो अकेले तुम्हारे बगैर? भाई बात हो चुकी है चाचा से, मेरे जाने के बाद वो इस्लामाबाद जाकर उन्हीं के साथ रहेंगे वहाँ। मतलब तुम अपने सगे बाप को छोड़कर न्यूजीलैंड लैंड कर जाओगी? तो और क्या करूँ, पाकिस्तान में लड़के मर गए हैं क्या? भाई मेरे ऊपर तो कोई भी नहीं मरा। तुमने मौका ही कब दिया किसी को मरने का? सलमान तुम हमेशा इतना लेट क्यों हो जाते हो? सनी ऊपर आओ। ये बताओ इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ उठी अपने बाप की तरफ? आप मुझे ये बताएं कि क्या जरूरत थी उसके कहीं पे बात पक्की करने के लिए? ऊपर से आप गारंटीज भी ले रही हैं। आजकल तो अपनी सगी औलाद की कोई गारंटी नहीं लेता है। हाँ ये बात तो सही है, अपनी औलाद की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती। नहीं आप मुझे ये बताएं कि मुझे कब पकड़ लिया आपने रंगे हाथों अब्बा हुजूर की तरह? शराफत अली की औलाद की शराफत की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, मैं कैसे दे सकती हूँ? उमर ना आपने जो खुद सोचा है ना उसी को सही समझा है, औलाद की तो कभी फिक्र ही नहीं की है कि वो क्या चाहती है। आंटी आ जाओ मैं इधर हूँ। बाबा कह रहे हैं आपके साथ मार्केट जाकर अपने निकाह का जोड़ा ले आओ। माशाल्लाह इधर देखिए, घर के रेंट के पैसे हैं नहीं, बाप के मेडिसिन के पैसे हैं नहीं, लेकिन निकाह के जोड़े की पड़ी भी। ओए बोए, अरे इससे क्या हो गया, कौन सा ये पैसे दे रहा है? इसको नहीं पता कि चाचा ने पैसे भेजे निकाह के जोड़े के लिए। छोड़ो इसे, खामखा फूफा करता रहता है अपने बाप की तरह। तुम इधर ऐसा करो, अपने अब्बू को पहले मेडिसिन दो, फिर हम लोग चलेंगे शॉपिंग के लिए। ओके मैं आई। सेल्फिश। मैं बैग लेके आ रही हूँ। देख लिया
इसे कहते हैं खुद गर्ज औलाद। बाप बीमार पड़ा है और जा रही है। भाई लहानिया ये देखा कितना प्यारा पिंक रंग का, ये कितना जचेगा तुम पे। हाँ, अच्छा लगेगा वैसे। वैसे मुझ पे भी तो जच सकता है। तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है मुझे। और भी देखो ये वाला, वैसे मेरा तो दिल चाहता है सुर्ख रंग के कपड़े पहनूं हर वक्त। इनकार कर दो। पागल हो गए हो क्या? हो गया हूँ पागल तुम्हारे प्यार में यार, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आहिस्ता बोलो, सलमा आंटी सुन लेंगी। पूरी दुनिया सुन ले, अब मैं नहीं डरता किसी से। बहन आपने सुन लिया है ना? जी जी। अपने साथ साथ मुझे भी लगाओ कि तुम। ऐसा करते हैं, एक साथ ही मर जाते हैं दूसरे पर। अरे हनी आओ ना, कुछ फाइनल करे। कहाँ रह गई हनी? आपकी हनी आपके सनी के साथ है, बेफिक्र रहें। इनकार कर दो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? हो गया हूँ पागल तुम्हारे प्यार में यार, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। क्या मसला हो गया, इंटरनेट चल क्यों नहीं रहा? देखो ना जरा। मौलवी साहब आ गए, अभी भी वक्त है, निकाह के लिए इनकार कर दो। अरे सलमान तुम पागल हो गए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा बहुत हर्ट होंगे यार। तुम रह लोगी मेरे बगैर? पता नहीं। इतना पता नहीं क्या हो गया, जरा छत पे जाके देखो नेट क्यों नहीं चल रहा। मेरी तरफ से सारा सिस्टम ही जैम हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है ये। आइए मौलवी साहब, आइए भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा इंटरनेट को क्या हो गया, बहुत देर होगी चेक कर रही हूँ, हुआ नहीं रहा सही। भाई अगर नेट नहीं चल रहा तो मोबाइल डेटा ऑन कर लें। ये जी मेरा तो अपना सारा डेटा उड़ा हुआ है। अरे बेटा ध्यान से लैपटॉप पे चेक करो, जल्दी करो। क्या हुआ, क्या है सिस्टम में? मेरी आंखें लगता है लेट डूबी हैं इसको। सलमा बेगम जरा आना मुझसे। हाय अल्लाह, इतना अच्छा फंक्शन छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा। जा रहे आओ तो। ध्यान से देखना, अच्छा ध्यान से। हाँ अभी आ रहे। ध्यान कहीं और से हटेगा तो लैपटॉप की तरफ देखूंगा ना। कुछ करो ना, कुछ तो करो। यार बरखुदा जरा जल्दी कर लो, मुझे जाना नहीं है। जी कर रहा हूँ। अरे सलमा बेगम क्या बच्चे की जान लोगी, बता दो यार। देखती हूँ कब तक नेट का सिस्टम खराब करता है। अरे उसके तो अपने सारे सिग्नल उड़े हुए हैं। भाई बता क्यों नहीं देते सनी को यार, वो कब तक वो लैपटॉप के साथ उलझा रहेगा यार। जब तक वो अपने मुंह से खुद नहीं फूटेगा कि सनी को मोहब्बत है हनी से, तब तक नहीं बताऊंगी। देखना मैंने तो वैसे शुरू में भाप लिया था। वैसे फकीर मोहम्मद एक बात, सारी औलादे बाप पर नहीं जानी। अगर मैं होता ना उसकी जगह, अब तक लड़की को लेके भाग चुका होता। लगना मान ये भाभी फिर चली जाएंगी तो छोड़ के। और फिर इल्जाम आएगा इस फकीर पे। अब नहीं जाएगी, उसको पता है कि सलमा के बलमा में कितनी छान है। लेकिन एक बात है, दिल में चाहे कोई भी हो, घर में तो सलमा ही नहीं रहना है ना। तौबा है, तुम नहीं सुधरोगे। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा तुम पर नहीं गया। अब आप हर दफा ही लेट हो जाता हूँ, जो भी थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। लेकिन अगर नेट नहीं चल रहे तो इसी लड़के से निकाह करा देना हनी का। तुमने बताया? नहीं नहीं कसम से मैंने नहीं बताया। वो तो इस बेवकूफ ने मौलवी को ये कहा कि पूरे मुल्क का नेट उड़ गया है और कल आना। अबे बेवकूफ गधे, हानिया से ही तेरा निकाह है फकीर मोहम्मद की बेटी से। क्या तुम मिली भी थी इन सबके साथ? सिर्फ यही नहीं, हम सब मिले थे। रबिल्ले शबिल्ले लबिल्ले, इसका मतलब है दोनों पार्टियां नेगी पोजीशन में शिफ्ट हो रही है। ये तो सोची समझी दादी जा, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बेटा तुम्हारे नुकसान के लिए तो हम एक पोर्शन में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि तेरा रिकॉर्ड लगा सके। क्या मतलब? जी अंकल ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और यहाँ निकाह का फंक्शन है।